मूवी शुरू होती है फोटोग्राफर एडम फॉकनर से, जो होश में आते ही खुद को एक पानी से भरा बाथटब में पाता है। हड़बड़ी में उसके पैर से लग के बाथटब का प्लग निकल जाता है और पानी के साथ एक ग्लोइंग ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट बह जाता है। कुछ देर चीखने चिल्लाने के बाद एडम को रियलाइज होता है कि वो इस जगह पे अकेला नहीं है, कोई और भी है उसके साथ। लाइट्स ऑन होने पर एडम को और एक आदमी दिखता है। ये है सर्जन डॉक्टर लॉरेंस गॉर्डन। ये दोनों किसी पुराने गंदे इंडस्ट्रियल बाथरूम में लॉक्ड है और इन दोनों के पैर चेन से बंधा हुआ है। इन दोनों के बीच किसी आदमी के खून से लथपथ डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसके एक हाथ में है रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में है माइक्रोकैसेट रिकॉर्डर। अब इन दोनों को याद नहीं आता कि कैसे ये लोग यहाँ आए। तभी इन दोनों को अपने अपने पॉकेट में एक एनवलप मिलता है, जिसमें से माइक्रोकैसेट्स निकलता है। गॉर्डन के एनवलप से एक बुलेट और एक छोटी सी चाबी भी मिलती है, लेकिन इस चाबी से वो दोनों चेन का ताला नहीं खोल पाते हैं। देन एडम उस कैसेट प्लेयर को गॉर्डन की मदद से अपने पास खींच लेता है। फिर दोनों एक दूसरे के कैसेट को सुनते हैं। दोनों टेप में ही एक ही आदमी का डिस्टॉर्टेड वॉइस था। एडम्स टेप रेफर्स टू हिम एज अ वॉयर और उससे पूछता है क्या वो खुद को इसी तरह मरते हुए देखेगा या फिर जिंदा रहने के लिए कुछ करेगा। और वही सेम वॉइस गॉर्डन को बताता है कि उसे एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा, नहीं तो उनकी बीबी और बेटी को मार दिया जाएगा और वो भी हमेशा के लिए इसी बाथरूम में लॉक हो जाएंगे। टास्क को पूरा करने के लिए क्लूज इस बाथरूम में ही छुपा हुआ है। उसमें से एक क्लू है एक्स मार्क्स द स्पॉट। अब गॉर्डन इन क्लूज को अच्छे से समझने के लिए टेप को दोबारा चलाकर ध्यान से सुनते हैं, तो उसे धीमी आवाज में सुनाई देता है फॉलो योर हार्ट। ये दूसरा क्लू होता है। गॉर्डन इस क्लू को समझने की कोशिश करते हैं कि तभी उन्हें टॉयलेट टैंक पे हार्ट का इमेज दिखाई देता है। टॉयलेट टैंक से एडम को 2 हैक्सोज और एक पैकेट मिलता है। एडम वो पैकेट बाथटब में छुपा देता है। दिन दोनों हैक्सो से अपना अपना चेन काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम का हैक्सो टूट जाता है और वो गुस्से से हैक्सो को एक मिरर के ऊपर फेंकता है, जिससे मिरर का थोड़ा सा हिस्सा टूट जाता है। गॉर्डन भी कोशिश करते हैं चेन को काटने की, लेकिन वो भी नहीं काट पाते हैं। तब वो रियलाइज करते हैं ये हैक्सो चेन को काटने के लिए नहीं, उनके पैर को काटने के लिए है। ये एक टेस्ट है उन लोगों के लिए कि क्या वो लोग अपना एक पैर को सेक्रीफाइस कर सकते हैं यहाँ से निकलने के लिए। अब ऐसा अजीब सा टेस्ट और टास्क को देखते हुए गॉर्डन को रियलाइज होता है उन लोगों को किडनैप करने वाला बस एक ही आदमी हो सकता है और वो है सीरियल किलर जिक्सो। कुछ महीने पहले जिक्सो ने गॉर्डन को एक मर्डर केस में फंसाने की भी कोशिश किया था और इसी के साथ मूवी गॉर्डन के फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम लोग पॉल और मार्ट नाम के जिक्सो के 2 विक्टिम्स को देख पाते हैं। ये दोनों जिक्सो के कैद से निकल नहीं पाए थे और फाइनली मारे गए थे। गॉर्डन एडम को बताते हैं जिक्सो बस उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जिनको अपनी लाइफ की कदर नहीं होती है, या फिर वो लोग जो दूसरे के लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिक्सो कभी भी किसी को अपने हाथों से नहीं मारता और ऐसा भी नहीं कि जिक्सो से बचा नहीं जा सकता। जिक्सो अपने विक्टिम्स के लिए एक ट्रैप सेट करता है, जिसे वो गेम बोलता है। इस गेम में विक्टिम्स को एक टाइम बाउंड के अंदर कुछ टास्क दिया जाता है, जो टास्क पूरे करने के लिए विक्टिम्स को फिजिकल एंड मेंटल पेन से गुजरना पड़ता है। अगर वो विक्टिम्स इस गेम में जीत जाए और सर्वाइव कर पाए तो उन्हें उनके लाइफ के वैल्यू समझ आता है। अब जिक्सो के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डिटेक्टिव टैप, डिटेक्टिव सिंह एंड डिटेक्टिव केरी। देन हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर गॉर्डन एक कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे। तब डिटेक्टिव टैप एंड डिटेक्टिव सिंह आके गॉर्डन को इंटरोगेट करते हैं, क्योंकि मार्क के डेड बॉडी के पास उन लोगों को डॉक्टर का एक लाइट पेन मिला है। डिटेक्टिव्स पूछते हैं कि मर्डर के टाइम पे गॉर्डन कहाँ था। गॉर्डन पहले तो कोई क्लियर जवाब नहीं देता है, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसे अपने लॉयर और डिटेक्टिव्स को सच बताना ही पड़ता है। असल में उस रात गॉर्डन अपने हॉस्पिटल के एक इंटर्न से मिलने होटल गया था। गॉर्डन अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। देन जिक्सो के और एक विक्टिम एमंडा यंग को बुलाया जाता है। बस ये एक ही है जो जिक्सो के टेस्ट में पास हुई थी और सर्वाइव कर पाई थी। जिक्सो ने एमंडा की फेस पे एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया था, जिसके साथ एक टाइमर अटैच था। टाइम्स अप होने पर यह मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी अपर एंड लोअर जॉ को अलग कर देगा, जिससे उसे बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। अगर एमंडा बचना चाहती है तो इंस्ट्रूमेंट के लॉक को एक चाबी से खोलना होगा और वो चाबी है उसी रूम में पड़े और एक विक्टिम के पेट में। ये विक्टिम जिंदा तो है, पर जिक्सो ने उसे ऐसा ड्रग दिया है कि वो कुछ देर के लिए पैरालाइज्ड है।
उसके पास एक नाइफ भी पड़ा हुआ है जिससे उसका पेट काटना होगा। और कोई ऑप्शन ना होने के कारण अमांडा उस आदमी का पेट काट के चाबी निकालती है और लॉक खोल के टेस्ट पास कर जाती है। अमांडा एक हाईली ट्रॉमाटाइज्ड हेरोइन एडिक्ट थी, उसे अपनी लाइफ की कदर नहीं थी और इसीलिए जिग्सो ने उसे टारगेट किया। बट नाउ शी बिलीव्स दैट मौत को इतने करीब से देखने के बाद उसे लाइफ का वैल्यू पता चला जो उसे एक बेटर पर्सन बनने में मदद करेगा, एंड फॉर दैट रीजन शी इज थैंकफुल टू जिग्सो। देन डिटेक्टिव्स अमांडा से पूछते हैं कि क्या गॉर्डन ही जिग्सो है। तब अमांडा बोलती है उसे नहीं पता क्योंकि उसने जिग्सो का फेस नहीं देखा था। डिटेक्टिव्स को जिग्सो के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात पता चलता है कि वो अपने विक्टिम्स को टेस्ट में पास करते हुए या फिर तड़पते हुए मरते बहुत करीब से देखता है। इसके बाद डिटेक्टिव टैप को क्राइम सीन पे मिले वीडियो देखते टाइम जिग्सो के ठिकाने के बारे में पता चलता है। डिटेक्टिव टैप एंड सिंह वहां जाते हैं तो उन्हें जिग्सो का नया विक्टिम दिखता है। वो एक चेयर से बंधा हुआ था और उसके दोनों साइड पे सर के पास ड्रिल मशीन लगा हुआ था। अब डिटेक्टिव्स जिग्सो को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जिग्सो ड्रिल मशीन को ऑन कर देता है। देन सिंह ड्रिल मशीन को बंद करने की कोशिश करता है और तभी जिग्सो टैप को इंजर्ड करके बेसमैन के तरफ भागने लगता है। सिंह जिग्सो का पीछा करता है लेकिन जिग्सो के ट्रैप में फंस कर मल्टीपल शॉट गन से वो भी मारा जाता है। डिटेक्टिव सिंह के मौत का बुरा असर डिटेक्टिव टैप पे पड़ता है। उनका दिमागी हालत ठीक न रहने के कारण से उन्हें पुलिस फोर्स से भी निकल दिया जाता है। उनका मानना था डॉक्टर गॉर्डन ही जिग्सो किलर है, इसलिए टैप डॉक्टर गॉर्डन के घर के पास शिफ्ट हो जाते हैं और हर पल वीडियो सर्विलेंस के थ्रू डॉक्टर के घर पे नजर रखते हैं। मूवी अब प्रेजेंट में आता है जहां एडम को मिरर के पीछे एक हिडन कैमरा दिखता है जिसके मदद से जिग्सो उन पे नजर रख रहे थे। दिन बातों बातों में गॉर्डन एडम को अपने फैमिली का फोटोग्राफ्स दिखाता है जिसमें एडम को गॉर्डन की बीबी और बेटी की किडनैपिंग का फोटो भी मिलता है। एडम इस फोटो को गॉर्डन से छुपा के रखता है ताकि उसे सदमा ना पहुंचे। इस फोटो के पीछे एक क्लू भी होता है जिससे एडम एक स्मार्ट वाला स्पॉट को ढूंढ निकालता है। वहां से गॉर्डन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें से सिगरेट्स, एक लाइटर, एक सेलफोन जिसमें सिर्फ इनकमिंग ऑन था और एक नोट मिलता है। ये नोट सिर्फ गॉर्डन के लिए होता है और उसमें लिखा था सामने पड़े हुए डेड बॉडी का ब्लड पॉइजनस है। वो सिगरेट के साथ उस ब्लड को मिलाकर एडम को देकर मार सकता है लेकिन गॉर्डन ऐसा नहीं करता है। वो एडम के साथ मिलकर प्लान बनाता है जिसमें एडम सिगरेट के कारण से मरने का झूठा नाटक करता है लेकिन जिग्सो को ये पता चल जाता है और वो एडम को चेन के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे साबित हो जाता है कि एडम अभी भी जिंदा है। फिर गॉर्डन को उसी सेलफोन में उसकी बीबी की कॉल आता है। उसे पता चलता है जिग्सो उसके फैमिली को भी किडनैप किया है और उन्हें बचाने के लिए बस 6 बजे तक ही टाइम है गॉर्डन के पास। इतना ही नहीं, गॉर्डन को यह भी पता चलता है कि एडम उसे पहले से ही जानता है। तब गॉर्डन एडम को कॉन्फ्रंट करता है। तब एडम बाथटब से वो ही पैकेट को निकालता है जिसमें गॉर्डन के कुछ फोटोग्राफ्स होता है। वो बताता है डिटेक्टिव टैप ने एडम को हायर किया था गॉर्डन पे नजर रखने के लिए। चुपके से लोगों का फोटो खींचना ही एडम का पेशा है। उसमें से एक फोटो को ध्यान से देखने पर गॉर्डन को उसके घर के विंडो पर एक आदमी दिखता है। गॉर्डन इस आदमी को पहचान लेता है। ये आदमी उसके हॉस्पिटल में ही काम करता है और इसका नाम है जेप। गॉर्डन कॉन्फर्म हो जाता है कि जेप ही जिग्सो है और वो गॉर्डन के घर से ही कैमरा के मदद से उन पे नजर रख रहा है। पर जब तक गॉर्डन को ये बात पता चलता है तब तक 6 बज चुका था। गेम के रूल्स के हिसाब से उसका टाइम खत्म हो चुका था और उसने अभी तक एडम को नहीं मारा था। तब जेप कॉल करके बताता है गॉर्डन के गलती के वजह से अब उसकी फैमिली नहीं बचेगी। फोन पे उसे गनशॉट और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है जो सुन के गॉर्डन कुछ देर के लिए अपना मानसिक संतुलन खो देता है और रिवॉल्वर तक पहुँचने के लिए हैक्सो से अपना पैर काट देता है। फिर वो डेड बॉडी के हाथ से गन लेता है और उसमें वही बुलेट डालता है जो मूवी के शुरू में एनवलप के अंदर से उसे मिला था। वो उस गन से एडम को शूट कर देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव टैप गोलियों के आवाज सुन के गॉर्डन के घर पहुंचते हैं और उसके फैमिली को बचा लेते हैं। किसी भी तरह जेप वहां से भाग निकलता है। जेप का पीछा करते हुए वो वहीं पहुंचते हैं जहां गॉर्डन और एडम को रखा गया है। डिटेक्टिव टैप जेप को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हाथापाई में टैप को ही गोली लग जाता है। अब क्योंकि गॉर्डन दिए हुए टाइम के अंदर एडम को मार नहीं पाए इसलिए जेप उन्हें इट्स द रूल कहकर शूट करने ही जाते हैं और ठीक उसी टाइम एडम गनशॉट के घाव से रिकवर करके जेप पे हमला करता है और उसे टॉयलेट टैंक के ढक्कन से जान से मार देता है। देन गॉर्डन बाहर जाता है मदद लाने के लिए और एडम को प्रॉमिस करते हैं मदद लाके वो वापस जरूर आएंगे। मीनहाइल एडम जेप को सर्च करता है चेन का चाबी ढूंढने के लिए लेकिन उसे जेप के पॉकेट से एक माइक्रोकैसेट प्लेयर मिलता है जो देख के एडम एकदम से सरप्राइज्ड हो जाता है।
अब यहाँ आता है एक खतरनाक सा ट्विस्ट। टेप को सुन के उसे पता चलता है कि जेब भी जिक्सॉ का एक विक्टिम था। जिक्सॉ ने जेब के बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट किया था और उसका एंटीडोट पाने के लिए जेब को गॉर्डन के फैमिली को खत्म करने का टास्क दिया गया था। जैसे ही टेप खत्म होता है, रूम में पड़ा हुआ लाश अचानक से खड़ा होता है, जिसे देख के एडम का होश उड़ जाता है। असल में ये कोई डेड बॉडी नहीं है, ये है जिक्सॉ, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लाश के तरह पड़ा हुआ था और सब कुछ करीब से देख रहा था। यहाँ हमें जिक्सॉ का असली नाम पता चलता है, जो है जॉन क्रेमर, और वो वही कैंसर पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर गॉर्डन कर रहे थे। जिक्सॉ अपने कमजोर आवाज में एडम को बताता है कि उसका चेन का चाबी शुरू से ही बाथटब में था। तब एडम को समझ आता है स्टार्टिंग में जो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट पानी के साथ बह गया था वही उस ताले का चाबी था। एडम जेब का गन लेके जिक्सॉ को शूट करने जाता है कि तभी जिक्सॉ उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके कमजोर कर देता है। अब इससे पहले कि एडम कुछ कर पाता, जिक्सॉ उसे हमेशा के लिए इस बाथरूम में लॉक करके गेम ओवर बोल के चला जाता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये था सॉ मूवी का फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस मूवी का टोटल 7 पार्ट्स है और एक पार्ट है जिक्सॉ नाम के। हर एक पार्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। वन बाय वन मैं सारे पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन करूंगा। देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।